नमस्कार दोस्तों, पुराणों के अनुसार तुलसी में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इसका प्रयोग भगवान विष्णु की पूजा में आवश्यक रूप से किया जाता है। हिंदू धर्म में लोग इसे अपने घर में भी जरूर लगाते हैं और इसकी प्रतिदिन पूजा भी करते हैं। शास्त्रों की माने तो तुलसी को घर में लगाना बहुत ही लाभकारी होता है। तुलसी का पौधा घर में होने से घर में नकारात्मकता का वास नहीं होता, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही तुलसी के अर्क से सर्दी, खांसी, बुखार आदि भी दूर किए जाते हैं, इसीलिए इसका आयुर्वेद में भी बहुत महत्व है। लेकिन आपको बता दे, तुलसी को वास्तु के अनुसार सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी होता है, वरना इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन होने लगता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे तुलसी को कहां और किस दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार तुलसी के पौधे को उत्तर पूर्व दिशा में रखने से धन के देवता कुबेर प्रसन्न होते हैं, जिससे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। वैसे भी उत्तर पूर्व दिशा को कुबेर देवता का दिशा माना जाता है, तो ऐसे में अगर आप तुलसी के पौधे को इस दिशा में लगाते हैं तो आप पर कुबेर महाराज की कृपा बनी रहेगी, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। वास्तु के अनुसार पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा रखने और उसके 3 पत्ते बच्चे को खिलाने से बच्चे को बुरी नजर से बचाया जा सकता है। वास्तु के अनुसार तुलसी के पौधे को पूर्व दिशा में खिड़की के पास रखने से घर के जिद्दी बच्चों का जिद्दीपन दूर हो जाता है। पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा रखने से बच्चा किसी भी तरह की मर्यादा को तोड़ने से बच जाते हैं। इसके अलावा तुलसी के पौधे को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाने से घर का वास्तु दोष दूर होता है। तुलसी का पौधा रसोई के पास रखने से घर के सारे झगड़े समाप्त होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर में लगा तुलसी का पौधा सूखने लगता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन तुलसी का मुरझाया हुआ पौधा आपको ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि जल्द ही परिवार पर किसी विपत्ति का साया मंडरा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई मुश्किल आने वाली है तो उसकी सबसे पहली नजर घर में मौजूद तुलसी के पौधे पर पड़ती है। ज्योतिष के अनुसार अगर परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई परेशानी आने वाली होती है तो उसके ताप को तुलसी स्वयं पर ले लेती है, इसी कारण तुलसी सूख जाती है। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।